कुंठा की बात कही आपने, व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है। सदन व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, आपने ये बात कही। कौन व्यक्तिगत तो कुंठा है आप बताइए ना, किस तरीके से जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री का क्या बयान था कि साहब आप बार बार खड़े हो गए तो हम मान सम्मान नहीं करेंगे। उनके कहने से होता है क्या मान सम्मान? नेता प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा पद होता है और पूरा विपक्ष उनके नेतृत्व में काम करता है और जनता के मुद्दे लाते हैं। हमें कौन सी है, हमें जमीन अलॉटमेंट थोड़ी करानी है, हमको जो हम हमारे मुद्दे लाएंगे। तो इस तरीके से नए संसदीय कार्य मंत्री का कोई व्यवहार और जो बात थी वो कोई संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं थी। और नए माननीय स्पीकर महोदय लास्ट में जो वर्ड उन्होंने बोले वो संसदीय परंपराओं के विपरीत हैं और वो सदन को प्रयोग करके बाधित करने वाले हैं, न कि सदन को सबको साथ लेकर के चलने वाले। अध्यक्ष जी, कमरे कक्ष में बुलाया है तीनों नेताओं को, लगता है गतिरोध टूट जाएगा, क्योंकि पहले भी आप लगातार इसी तरह की बात कर रहे हैं सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। देखिए निश्चित रूप से आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि आपको मेरी किसी बात से भावना आहत हुई हो आपकी तो मैं माफी चाहता हूँ। इससे बड़ी बात तो सदन चलाने के लिए कोई नेता कर ही नहीं सकता। और उसके बावजूद आप अगर प्रवोक करो कि नहीं नहीं कर लीजिए, तुमको जो करना कर लीजिए, ये नियम प्रक्रिया और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप विपक्ष में हैं, क्या आप जो आरोप लगाए? देखिए वो जो जो हरी किताब है ना उसमें जो नियम प्रक्रियाएं जो दी हुई हैं उसके लिए पक्ष और प्रतिपक्ष सब लोग उसको काम में लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बताइए इस सदन में उसी हरी किताब नियम प्रक्रियाओं से कईयों को सदन के बाहर भी निकाला हुआ है और अविश्वास भी आए हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज़ नहीं है। तो जो जैसी परिस्थितियां बनेंगी और जिस तरीके का वातावरण सत्ता पक्ष चाहेगा और जो माननीय स्पीकर साहब का जो व्यवहार विपक्ष के प्रति रहेगा उसके ऊपर आगे हम इस बात को तय करेंगे। वो तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, अभी आपको बुलाया तो है बातचीत के लिए, अनाउंस करता है। नहीं, बुलाएंगे तो जाएंगे, कोई हमारी कोई सीम की लड़ाई नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये स्वाभिमान की और प्रदेश के लोगों की आवाज उठाने का सदन है और उसमें प्रदेश के लोगों की आवाज उठाने के लिए हमें अधिकार दिया है कानून ने। और उसमें अगर किसी तरह की बाधा पहुंचती है तो फिर हम एक्सट्रीम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, नहीं तो संवादहीनता बनती भी है और संवाद होते भी हैं और समझौते भी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात आई नहीं है, जब तक नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आप बार बार खड़े होते हैं तो आपका वो तय करेंगे क्या? इस सदन में जैसे वो चुन के आए वैसे ही हम आए हैं और हमारा राइट है, जो अलाउ करता है स्पीकर वही तो बात कहते हैं। आप बताइए कि स्पीकर गुलाब जी कटारिया साहब थे, दिन में 50 बार खड़े होते थे, किसी ने कभी ऐतराज किया कि गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष कैसे खड़े होते हैं? हमने उपनेता जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब थे वो भी अगर खड़े होते थे तो हमारा सारा का सारा मंत्री उनकी बात को सुनने के लिए बैठ जाता था। और कोई भी सीनियर आदमी, कोई भी सीनियर मेंबर अगर खड़ा होता है तो उसको उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष को अलाउ कर रहे हो और उसको भी आप कह रहे हो बार बार क्यों खड़े हो रहे हो, हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे, तो ये घर की जागीर थोड़ी है इनकी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं। तभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर चेयर, मेरे शब्दों से, चेयर का कोई भी ऐसी दिल पे ठेस पहुंचिए तो मैं माफी चाहता हूं। तो उन्होंने फिर प्रवोक क्यों किया कि लाइए आप, मैं देखता हूं। गलत है ना ये बात, वो खुद चाहते हैं, सत्ता पक्ष ये चाहता है कि हाउस चले नहीं, क्योंकि इनके मंत्री जवाब किसी भी मुद्दे पे दे नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एक बात बताइए, रोहित बोरा जी ने कहा कि ये कब की नीति बनी हुई है, 2015 की वसुंधरा राजे जी की नीति है, इतना कहना था। वो वसुंधरा जी का नाम नहीं लेना चाहते या ये नहीं कहना चाहते कि हमने ही नीति बनाई थी, उसके तहत जो आवंटन किया है वो आवंटन सही है, वो उनका सवाल ही, वो उनका आरोप ही गलत हो जाता। तो इतनी सी बात थी कि 2015 में ये नीति बनी है, तो 2015 में वसुंधरा जी थी, उन्होंने नीति बनाई, इन्होंने भी खूब आवंटन किए, हमारी सरकार ने भी किए होंगे, अगर गलत हैं तो आप जांच करा लो, उसको निरस्त कर दो। लेकिन ये कहना कि वहाँ पर राजा खेड़ा में इतना गबन हो गया, FIR लॉज हो गई, फाइल नहीं मिल रही, क्या तुक क्या है इस बात का?
इसका मतलब मंत्री मुद्दे की बात नहीं करके केवल हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी विषय की तैयारी उनके पास में